did the comparison between the three tier and the economy class, जो मैंने लगभग most of try किया कि वो cover हो सारी चीजें. ये जो आप देख रहे हैं emergency window है जहाँ पर मैं बैठा हूँ, जब भी आपको emergency में कोई जरूरत पड़ती है तो आप इसको कुछ इस तरह से ये पकड़ने का है, इसको आप जब inside pull करेंगे तो ये back side से खुल जाएगा, down side से ये कुछ emergency का. लेकिन कुछ यही ओवरऑल कंपैरिजन था जो कि थर्ड एसी यानी कि थ्री टायर एंड इकोनॉमी क्लास में था. सीट्स जो है काफी कॉम्पैक्ट सी हैं, न्यूली डिजाइंड है, तो आपको मतलब सीट्स एकदम लेटेस्ट देखने को मिलेगी न्यू इंटीरियर के साथ में. इसके अलावा और जो इसमें दिक्कत है वो जो है मैं आपको दिखा दूं कि जो सीट्स है ना ये लगभग बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है, नैरो टाइप की सीट्स हैं, तो मुझे लगता है कि ये इसमें कॉस्ट कटिंग किया गया है. यहाँ पर आपको मोबाइल होल्डर पर पर्सन पर पैसेंजर अलग देखने को मिलेगा, यानी कि आप आपका मोबाइल इसमें इस तरह से एट द टाइम ऑफ चार्जिंग होल्ड कर सकते हैं. इसके अलावा यदि आप चाहते हैं आप सेकेंड रूप हैं तो वहाँ पर आप इस तरह से फ़ोन को होल्ड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ चार्जिंग. साइड जो आपको एसी वेंट्स दिख रहे हैं ये कॉमन होते हैं जो सभी के लिए होते हैं, लेकिन इसमें समथिंग स्पेशल दिया गया है, वो दिया गया है कि पर्टिकुलर आपको एवरी पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे. जो ये वर्किंग है आप चाहें तो इसे क्लोज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे वन टच ओपन कर सकते हैं, मतलब ये पर्टिकुलर एवरी पैसेंजर के लिए देखने को मिलेंगे. इसके अलावा मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जो लाइट्स हैं ना, जो रीडिंग लाइट्स हैं, वो भी आपको एवरी पैसेंजर को डिफरेंट देखने को मिलेगी. जब आप चाहें तो इसे आप ऑन कर सकते हैं, जब आप चाहें तो इसे ऑफ कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें USB टाइप ए का पोर्ट दिया गया है, यानी कि आप डायरेक्टली फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं विदाउट अडेप्टर. इसके अलावा जो इसमें देखने को मिलेगा वो बताता हूँ, तो बॉटल हैंडलिंग के लिए तो यहाँ पर कुछ एक डिफरेंट कुछ नया टाइप का दिया है. इस तरह के आपको इसको पुल करना है, इसको ऊपर के लिए अपसाइड करना है और इसमें आप आपकी जो बॉटल है कुछ इस तरह से रख पाएंगे. इसके अलावा जब आपको नहीं रखना होगा तो आप इसको फिर से डाउन साइड करके पुश कर दीजिए. यहाँ पे अभी मैं सीटेड हूँ, ये यहाँ पर इमरजेंसी विंडो है इन इकोनॉमी क्लास. ऊपर वाले पार्ट को इन इमरजेंसी आपको इनसाइड के लिए पुल करना है, खींचना है, और इसको बाहर साइड के लिए पुश करना है. तो ये जो ग्लास है इमरजेंसी ग्लास है ये यहाँ से खुल जाएगा और इन केस ऑफ इमरजेंसी ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है. बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर रेलवे ने किए हैं और मुझे लगता है ये जरूरी भी थे. क्या थे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ. इस समय मैं इकोनॉमी क्लास के लगभग बालकनी में खड़ा हूँ, तो ये देखिए देखेंगे कि अपर साइड में यहाँ पर कैमरा दिया है. मुझे लगता है कि सिक्योरिटी पर्पज से ये होना भी चाहिए. इसके अलावा जो बाथरूम्स हैं वो भी यहाँ इंडियन स्टाइल का बाथरूम है. इसमें क्या समथिंग डिफरेंट है वो मैं आपको दिखाऊंगा. यहाँ पर आपको हैंड वॉश देखने को मिल जाएगा. और दूसरी बात आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का मैट है नीचे दिया गया, मुझे लगता है ये भी एक बेहतरीन चीज़ है. और जब से कोरोना आया था तब से मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो नल है और मतलब विदाउट टच आपको यूज़ करना है, तो यहाँ पर कोई भी दबाने का नहीं दिया गया, लेकिन ये पाँव के पास दिया गया. जैसे ही आप इसको पुश करेंगे कि नल स्टार्ट हो जाएगा. देखिए मैंने पुश किया, ये नल स्टार्ट हो गया. मुझे लगता है कि ये विदाउट टच एक अच्छी पहल है रेलवे की. प्लस वगैरह एवरीथिंग तो हाई है, वेंटिलेशन के लिए अच्छा है. यहाँ पर एक जो फायर अलार्म होता है वो भी है, यानी कि आप स्मोकिंग नहीं कर सकते इसके अंदर. ये कुछ रेलवे ने चेंजेस मुझे लगता है जरूरी भी थे.